हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लिखा रहा हूँ, देखिए रेलवे का आईपीओ, फिर एक आईपीओ रेलवे सेक्टर से सामने निकल के आ रहा है। आज ही इसकी इंफॉर्मेशन आई है। जैसे कि आपको पता है, आईआरसीटीसी ने जो धमाल मचाया था, ये आईपीओ उससे भी जबरदस्त धमाल मचा सकता है। 15,000 रुपये बचा के रखना। आप कहोगे यार 15,000 क्यों, एक लॉट देखिए 14-15 हज़ार का ही एक लॉट आता है, और इतने रुपए आपको सेव करके रखने पड़ेंगे तब तक, ताकि आप आईपीओ में अप्लाई कर पाओ। जरा देखते हैं इस आईपीओ की डिटेल, साथ के साथ कंपेयर करते हैं पुराने रेलवे स्टॉक्स के साथ इसको, और समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब तक आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि आईपीओ में अप्लाई करना हो तो कोई ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 2 मिनट लगता है। हाँ, अगर किस्मत थोड़ा साथ दे दे तो पैसा डबल हो सकता है। कैसे? राउट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, ये लेटेस्ट आईपीओ है कैमकॉन, जिन्होंने आपके पैसे को पिछले 1 महीने के अंदर ही, बस 7 दिन लगते हैं, 7-8 दिन लगते हैं पैसा जब ब्लॉक होता है। क्योंकि हम तो भाई लिस्टिंग गेन वाले लोग, मैं कहूंगा कि लास्ट टाइम पे कहते हैं आपको 2 बजे देखो डेटा, जब आपको लगे रिस्क बिल्कुल खत्म हो चुका है तभी अप्लाई करो, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको खरीदना है तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जो नया आईपीओ आ रहा है वो है रेलटेल। अब आप कहोगे रेलटेल ये तो सरकारी कंपनी है भाई। रेलटेल एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है। देखिए मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है और लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कहूंगा इसको न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पैन इंडिया पूरा का पूरा, आपको पता ही है इंडिया का रेलवे नेटवर्क की अगर आप बात करोगे ना तो कितना बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया का है। देखा जाए तो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन रेलवे का। अब बात हो रही है इन सारे रेलवेज को आपस में, जो आपकी पूरी की पूरी, ये मान के चलिए कि हर रेलवे स्टेशन पे रेल चल रही है, वहां पे भी आपको वाईफाई अवेलेबल होगा, इंटरनेट अवेलेबल होगा, वो सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है, और इसीलिए ये रेलटेल का आईपीओ मार्केट में आने जा रहा है। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, कोई छोटा नेटवर्क नहीं, और 70% ऑफ इंडिया के पॉपुलेशन को, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस सब में ये कवर करेगा, बहुत ही अच्छी बात। अब देखिए, आवर विजन इज टू बिकम द प्रिफर्ड टेलीकॉम सॉल्यूशन एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर नॉलेज इकोनॉमी, ये इनका मिशन है, विजन है। और अब मैं आपको पहले जो इंफॉर्मेशन आई है आईपीओ से रिलेटेड उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि डीआरएचपी आज जो है फाइल किया गया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इस डीआरएचपी में देखिए 700 करोड़ के आईपीओ की बात चल रही है। 700 करोड़ का आईपीओ बड़ा नंबर है। और रेलटेल, जैसे कि आपने कंपनी के बारे में आपको बताया, यहाँ पे ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कंट्रोल की जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से होता है इसका। और अगर आप देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, वो आपने यहाँ पे देखा सीधे कंपनी की वेबसाइट पे, तो आज की डेट में डीआरएचपी यहाँ पे फाइल किया गया है। और रेलटेल के बारे में डिटेल जैसे बताते हैं कि कितना आईपीओ किस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है, गवर्नमेंट कितना हिस्सा अपना बेच सकती है। इससे पहले ऑलरेडी 4 आईपीओ रेलवे के आ चुके हैं, उन चारों के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे द इश्यू कंसिस्ट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ कितने शेयर्स हैं, 8 करोड़ 8 करोड़ 66 लाख शेयर्स यहाँ पे हैं, और इम्प्लॉय रिजर्व पोर्शन भी यहाँ पे होगा। देखिए, क्योंकि जब सरकारी आईपीओ आते हैं ना, उसमें कुछ कुछ रिटेल निवेशकों के लिए भी डिस्काउंट होता है, थोड़ा बहुत उनके इंप्लॉय के लिए भी पोर्शन जो होता है उसके लिए भी डिस्काउंट होता है, तो कुछ इस तरीके से आता है कि इंप्लॉयज को, आपने देखा होगा आईआरसीटीसी में रिटेल निवेशकों को भी 10% का फायदा हुआ, 10 रुपीज का फायदा, 10% नहीं कहूंगा मैं, 10 रुपीज का फायदा हुआ था, उतना सस्ता वो था। तो एक पॉजिटिविटी जरूर जो है सरकारी शेयर्स में रिटेल निवेशकों के लिए रहती है, और एक अलग से कैटेगरी वहां पर बना दी जाती है। अब आज की ये कंपनी 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। रेलटेल टेलीकॉम नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ के साथ डाटा सेंटर्स को मैनेज करता है, क्योंकि रेलवे की अपनी, देखिए अपना इतना काम है। और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 55,000 किलोमीटर, अगर जून 30 का डाटा देखा जाए तो 55,000 किलोमीटर एंड 5,677 रेलवे स्टेशन को कवर किया है इसने। अब आपको कहे तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल अभी तक यही डिटेल्स अवेलेबल है, धीरे धीरे जब इसकी डिटेल्स आगे अवेलेबल होंगी, डेट्स आएंगे, अभी इसकी डेट्स नहीं आई है, अभी डीआरएचपी फाइल किया गया है, बस जब डेट्स आएंगे कि कब आईपीओ आएगा, कैसी डिटेल्स है और कितना प्राइस बैंड रहेगा, वो बाद में जैसे जैसे आएगा उसे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आईपीओ के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आपको हमेशा जब लास्ट डे होता है तभी
आईपीओ को अप्लाई करने को कहते हैं और कभी नहीं कहते कि हाँ फर्स्ट डे आप अप्लाई कर लो, क्योंकि लास्ट डे आपके पास एक, मैं कहूंगा कि आपके पास एक सेफ ऑप्शन होता है आईपीओ में, एक रिस्क फ्री आईपीओ वो हो जाता है आपका। दूसरी चीज, आईपीओ में कभी भी अप्लाई करते हो तो भाई हमेशा ओवर सब्सक्राइब होता है तभी आप अप्लाई करते हो, और कट ऑफ को चेक जरूर किया कीजिए 111। अब ये आईपीओ तो आएगा लेकिन आपको तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी 111 का सिस्टम जिनको पता ही नहीं होगा, तो भाई जान लो इसको, एक डीमैट एक पैन से लिंक और आपका एक लॉट, ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा इससे होते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप करते ना, जैसे आपका एक पैन है, इससे आपने तीन डीमेट ओपन किया, तीन डीमेट है आपके, आपने एक एक लॉट तीनों से अप्लाई किया, तो एक ही बात ये है क्योंकि एक पैन से लिंक्ड है। जब आप देखोगे ना आईपीओ एप्लीकेशन, जब स्टेटस आपका आता है तो वहां पे आप देखोगे यार ये तो मेरा एक ही तरीके से यहाँ पे, मतलब एक पैन से लिंक्ड है तो एक ही कंसिडर वो होगा आपको जब अलॉटमेंट होगी, तो इस तरीके से आप समझे तो ये आपके लिए फायदा होता है जब आपने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी डीमेट अकाउंट ओपन करके रखते हो। तो इसलिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अपने फैमिली मेंबर्स के भी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, तैयारी पहले से करनी पड़ती है। 2 बजे जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास बस दो दो मिनट भी नहीं कहूंगा मैं, धीरे धीरे आप एक एक मिनट में आईपीओ अप्लाई करने लग जाओगे। अगर आपको 3-4 करने हैं तो 5 मिनट में आपके सारे आईपीओ अप्लाई हो जाएंगे, आप रेडी रहने चाहिए। उससे पहले रेलवे के जो आईपीओ आए हैं, देखिए IRCTC का आईपीओ, बम्पर आईपीओ, और ये सब्सक्रिप्शन आप देख के चौंक जाओगे, 112 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के टाइम फ्रेम पे ये आया था और रिटेल निवेशक उस टाइम पे ज्यादा जागरूक नहीं थे, तो मात्र 15 गुना भी नहीं हुआ था रिटेल निवेशक का, 15 से भी थोड़ा सा कम ही है, और इंप्लॉय की कैटेगरी अलग थी। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपके रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट होगा, तो देखिए 10 रुपए का रिटेल निवेशकों के लिए डिस्काउंट क्लियरली यहां पे दिया हुआ था। तो ये आपने देखा IRCTC का आईपीओ, और ये कहां तक गया था, ये आईपीओ मिला था लोगों को 310 रुपए में, क्योंकि रिटेल निवेशक को थोड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा, तो 310 रुपए में, और कहां लोगों ने बेचा था, 2000 रुपए के आसपास बेचा था, 1900-1800 जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग यहां पे लोगों ने करी और बढ़िया मोटा पैसा कमाया। और ज्यादा नहीं बस, कि कहीं लोगों ने डबल करके बेच दिया, कहीं लोगों ने ट्रिपल करके बेच दिया, कहीं लोगों ने 1700-1800 पे यहाँ पे निकाला और कुछ ही महीनों के अंदर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए राइट्स लिमिटेड का आईपीओ, राइट्स लिमिटेड का आईपीओ जब आया था उसके बाद ये बोनस भी इशू कर चुके, ये सब रेलवे के आईपीओ, देखिए ये रेलवे के आईपीओ है और 180-185 के आसपास आया था, लेकिन बोनस इशू करने के बाद इसका प्राइस एडजस्ट होकर मान के चलिए कि 150-160 के लेवल पे आपको आईपीओ मिला था, और आज की डेट में 250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बोनस शेयर भी साथ के साथ दे चुका है, बढ़िया डिविडेंड भी आपको कई बार राइट्स का शेयर दे चुका है। लेकिन अगर बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की, तो आप देख सकते हो 66 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, 66 टाइम्स, लेकिन रिटेल निवेशक मात्र 14-15 गुना रिटेल निवेशकों को सब्सक्रिप्शन मिला था। तो ये खास बात है, ये आईपीओ में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप पुराने रेलवे के आईपीओ को देख के पता लगाओ कि हाँ भाई ये कैसा आईपीओ रहा हुआ है, पहले कितना सब्सक्रिप्शन यहां पे हुआ। तो रेलवे के आईपीओ में जबरदस्त सब्सक्रिप्शन इन दो में मिला है। उसके अलावा मैं बात करता हूं IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, जरा इस शेयर को भी देखिए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर का शेयर था। इसका आईपीओ जब मार्केट में आया था क्या हिट हुआ था या फ्लॉप हुआ था देखते हैं जरा, और 470-475 के आसपास का ये एक लॉट एक शेयर इसका था, लेकिन आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखिए मात्र 9 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था, और लिस्टिंग प्राइस देखिए 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और अगर आप इसकी लिस्टिंग के प्राइस को देखते हो, क्योंकि यहां पे लिस्टिंग 475 का जो प्राइस था और लिस्टिंग कितने पे हुई है उसको भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देख सकते हो आप 410, यानी कि इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपका 2 बजे वाला क्राइटेरिया 8-10 गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 बजे अगर आपका 8-10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ना, तो इसका मतलब है कि वो आगे और मीटर खींच लेगा लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर और मीटर खींच लेगा। इसीलिए आप देखिए 9 गुना सब्सक्राइब हुआ और ये आपका डिस्काउंट में 475 से ओपन होके 410 के आसपास ओपन हुआ, तो आप खुद सोचिए कि लिस्टिंग इन कैसे आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसलिए आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट होके आईपीओ में अप्लाई करा। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL का आईपीओ, ये आईपीओ बहुत ही सस्ता था, 18-19 रुपए का ये शेयर था। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे, और यहां तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए 17-19 रुपए का इसका प्राइस बैंड था, लेकिन उसमें भी 50 पैसे का रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट दिया था। रेलवे का ये शेयर है और यहाँ पे 14,820 का एक लॉट था, और इसके बावजूद देखिए कितना गुना सब्सक्राइब हुआ था, मात्र 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो आईपीओ अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और ओपन देखिए 18 रुपए से ये भी डिस्काउंट पे आपका ओपन हुआ। तो ये आपने देखा होगा कि अगर आप 2 बजे वाली स्ट्रेटेजी लगाते हो तो हमेशा आईपीओ में आपको फायदा ही फायदा होता है, और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, मतलब 90-95% आपकी पॉजिटिविटी आएगी अगर आप
2 बजे आपका डेटा देख रहे हो और वो 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया, क्योंकि लास्ट के आवर में मीटर खिंचेगा ही खिंचेगा। तो इसलिए समझे, ये आपके लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आईपीओ में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर नहीं करते हो तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने में आपका कुछ जाता नहीं है, मैं ये कहूंगा आपका कुछ जाता नहीं। इन द सेंस, 1 वीक तक आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि 1 वीक आपका पैसा ब्लॉक रहे, कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आईपीओ में अप्लाई करना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। 2 मिनट लगाइए, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका इसमें लक फैक्टर की भी जरूरत होती है। तो अगर नहीं मिला तो ऐसी कोई दिक्कत, डीमोटिवेट होने वाली जरूरत नहीं, अगला अप्लाई कर लेना। इस तरीके से सोच के जरूर अप्लाई किया कीजिए आईपीओ, क्योंकि कभी पैसा आपका डबल हो जाता है। और याद रखें, रिस्क कम से कम होता है 2 PM वाली स्ट्रेटजी में। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर, जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।